बेरोजगार युवाओं के लिए बहुत बड़ी घोषणा सरकार ने कर दी है। और इसमें क्या होगा कि आवेदन शुरू हो चुके हैं, कुछ नए नए योजनाएं लॉन्च की गई हैं अभी, और उसके बाद हम आपको बता देना चाहेंगे इसमें जो आवेदन है 1 जून से शुरू हो जाएगा और जुलाई से आपको मानदेय मिलने लगेगा। ठीक है, जो बेरोजगार युवा इसमें इस योजना के तहत आवेदन करते हैं, जिस योजना के बारे में भी हम आपको वीडियो में बताएँगे, आवेदन करेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ट्रेनिंग के दौरान आपको 8,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, जितने दिन भी ट्रेनिंग्स वगैरह जो भी इस योजना के तहत प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगा, उसके अनुसार। बाकी चलिए बताते हैं कौन सी योजना है और कहाँ के युवा इसका लाभ ले सकते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देख सकते हैं आप सभी, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 लॉन्च, युवा पोर्टल का शुभारंभ, यंग अचीवर्स का सम्मान, युवाओं की उन्नति के लिए घोषणाएं। तो चलिए जानते हैं क्या क्या घोषणा की गई है युवाओं की उन्नति के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना, इस योजना का नाम है, इसका ऐलान मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। और ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को 8,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 1 जून से रजिस्ट्रेशन होगा और 1 जुलाई से राशि भी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और देख सकते हैं मेधावी विद्यार्थियों के लिए जो योजना लागू की गई है वो है परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ा करके 8 लाख करने की योजना सरकार ने बनाई है। नीट के आधार पर बनेगी 2 मेरिट लिस्ट, एक सूची में 95% नीट से और दूसरी सूची में 5% सरकारी स्कूल के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में मिलेगा एडमिशन, जो कि बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी के लिए 1 टाइम एग्जाम फीस स्कीम लागू, एक बार फीस दो और कई परीक्षाएं दो। ठीक है, एक बार फीस देना होगा आप सभी को और कई परीक्षाएं आप कर सकते हैं, इसकी भी योजना सरकार ने लागू की। और ये योजना है, देख लीजिए, 1,000 जनजाति युवा कलाकारों को 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 मानदेय पर फेलोशिप प्रदान की जाएगी। ठीक है, जो जनजाति युवा कलाकार हैं उनको 3 महीने की अवधि के लिए 10,000 रुपये मिलेगा, यानी कि 30,000 टोटल। ठीक है, इसके बाद जो घोषणा की गई है, 100 करोड़ की लागत से बनेगा स्टूडेंट इनोवेशन फंड और युवा आयोग का होगा पुनर्गठन। हर साल खेलो एमपी यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा और अगले वित्तीय वर्ष में युवा बजट अलग से आएगा। तो यह थी मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा एमपी। तो हमने आपको जैसे कि बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ये घोषणा की गई है और जुलाई से इसमें मानदेय भी मिलने लगेगा 8,000 रुपये युवाओं को। हालांकि इसमें 1 जून से आवेदन होगा, तो आवेदन आप लोग कर दीजिएगा जैसे जैसे मैंने बताया है आपको। बाकी आवेदन तो ऑनलाइन ही होगा, मध्य प्रदेश से है तो आपको इसका लाभ मिलेगा। बाकी वीडियो को शेयर